हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो लास्ट वीडियो पे मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिले और मैं बहुत खुश हूँ कि सब ने मेरे वीडियोस को देखा। सो आज मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग अनदर इशू जो कि हमारे सोसाइटी पे एग्जिस्टिंग है। शायद ये प्रॉब्लम मेरे गली का है, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का है और शायद पूरा स्टेट का है। तो ये प्रॉब्लम है डे बाई डे बढ़ता हुआ रोड का हाइट और उससे नीचे जाता हुआ हम लोगों का घरों का प्लिंथ लेवल। सो गाइज, हम लोग अक्सर देखते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे हर साल हमारे रोड के हाइट्स को बढ़ा दिए जाते हैं और हमारे घरों का प्लिंथ लेवल डे बाई डे नीचे आता जाता है। अगर आपने 2 साल पहले घर बनाया होगा तो आप खुद देख लीजिए, तब आपका जो हाइट था और रोड का हाइट था, आज उसमें कितना डिफरेंस आया है। और कुछ साल बाद हम देखते हैं कि जब भी हमारे नाइबर्स लोग नया प्लॉट लेते हैं, नया बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमारे घरों से कहीं ज़्यादा हाइट प्लिंथ का हाइट लेके घर बनाते हैं, तो उससे भी हमारा घर और नीचे चला जाता है और इस चक्कर में फिर से हमारे गलियों का हाइट और बढ़ा दिए जाते हैं। और इस तरह से हमेशा से सालों साल ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके रोड का हाइट बढ़ते जाता है और आपका घर नीचे जाता रहता है। ये प्रॉब्लम मेरा ही नहीं, हम सबका है। और जिनका घर में ये प्रॉब्लम अब तक नहीं हुआ है, जिन लोगों ने नया नया घर बनाया है, उनको भी पता है कि आने वाले कुछ साल में ये प्रॉब्लम इनको भी फेस करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक सलूशन होना चाहिए और वाइड लेवल पे हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कशन करना चाहिए और अथॉरिटी को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये बढ़ता हुआ ये रोड का हाइट और ये प्लिंथ हाइट डे बाई डे जो बढ़ता हुआ है, ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेटन है। क्योंकि एक घर जब हम बनाते हैं तो पूरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम का पैसा पूंजी जमा करके बहुत ही मुश्किल से हम अपना सपना पूरा करते हैं, घर बनाते हैं, और उस घर को बनाने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद वही घर बहुत नीचे चला जाता है और इस वजह से बारिश के टाइम रोड का जो रेन वाटर है वो हमारे घरों के अंदर तक चले आते हैं और कई कई जगह पे पानी जमा हो के फ्लैश फ्लड बन जाता है और इस वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे भी हमने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर नीचे पानी में डूबा हुआ होता है, शायद और कहीं पे फ्लड नहीं हुआ हो, पर फ्लैश फ्लड की वजह से आपका घर पानी के नीचे होता है। तो इस प्रॉब्लम को हमें बहुत ही सीरियसली लेना है क्योंकि आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पॉसिबल है कि एवरी ईयर आप अपने घर में अपने घरों का प्लिंथ हाइट बढ़ा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब भी देखा है, हमने इस प्रॉब्लम के बारे में जब भी डिस्कशन किया है हमारे लीडर्स के साथ, अथॉरिटी के किसी के भी साथ, हर कोई हमें ये एडवाइस देता है कि अपने घर का प्लिंथ हाइट आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। क्या ये एवरी साल करना पॉसिबल है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और एक बार घर बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आज देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको एक छोटा सा ओपिनियन और मेरा छोटा सा एक सजेशन, और मैं चाहती हूँ कि ये सजेशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, अथॉरिटी, जो भी रेस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारे अथॉरिटीज है, उन तक ये मैसेज पहुँचाए और इस विषय में बहुत वाइडली डिस्कशन हो। सो इस विषय पर मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को एक रूल्स बनाना चाहिए और एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि जब भी रोड बने तो उसका हाइट का एक मिनिमम रेंज होना चाहिए और उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और सिटीजन्स के लिए भी एक रूल्स बनाना चाहिए कि जब भी घर बनाए तो प्लिंथ का हाइट इतना ही होना चाहिए। तो दिस वे हो सकता है कि वाइड लेवल पे एक चेंजेस आए और जब भी लोग नया घर बनाए तो उसी हाइट को मेंटेन करके जाए, सो दैट हमें और ये रेजिंग प्रॉब्लम का सामना करना ना हो। पर जिनका घर ऑलरेडी नीचे चला गया है और जिनके घर पे हमेशा फ्लैश फ्लड का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए एक ही सलूशन है कि जो ड्रेन्स एग्जिस्टिंग है उन ड्रेन का डेप्थ लेवल को उनके घरों के रेंज के हिसाब से थोड़ा और डीप कराना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा था हमारे मेन रोड्स पे जहाँ पे मेरा घर है वहाँ का मेन रोड्स पे जब नया ड्रेन कंस्ट्रक्शन हुआ तो हमने वहाँ पे देखा कि ड्रेन का जो बटम का हाइट है वो लोगों के घरों से काफ़ी ऊपर है, तो इस वजह से उल्टा पानी ड्रेन से उन लोग के घर पर आने लग गया। तो इससे प्रॉब्लम इन लोग का और ज़्यादा बढ़ गया।
तो इस वजह से ड्रेन का हाइट, ड्रेन का डेप्थ का हाइट कम से कम इतना मेंटेन हो कि लोगों का घरों का पानी एटलीस्ट निकले। सो मेरा गवर्नमेंट से और अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जाए, एक ऐसा लेवल सेट किया जाए सो दैट पब्लिक और जब भी रोड अथॉरिटी, जो रोड बनाते हैं वो अथॉरिटी और जो पब्लिक घर बनाते हैं, तो उनको एक मिनिमम एक रेंज सेट करके दिया जाए सो दैट ये रोड का जो प्रॉब्लम है हाइट्स का, ये ना हो आगे, ये ख़त्म हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत मेजर इशू बनने वाला है आगे, हमारी ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट लाने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अथॉरिटी तक पहुँचाएँ। सो अगर इस विषय पे आपकी कोई भी ओपिनियन है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस इनिशिएटिव का कुछ अच्छा सा इम्पैक्ट आए। सो अगर मेरे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हो और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ड्यूरिंग द वीडियो अगर मैंने कोई भी मिस्टेक किया हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें सो दैट मैं फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।